Hello, I am Pushpan Thakkar and welcome to Fly High Academy. In this video, we are talking about the conversation. It's not a real conversation, but it's a conversation we are doing. It's an ideal conversation. That means maybe these things are happens. तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये चीज़ें मतलब बिल्कुल रियल में फिट हों, लेकिन अगर ये आइडियल तो उसको मान ही सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट इट. एट द डॉक्टर डॉक्टर के हम जब जाते हैं, एक पेशेंट और एक डॉक्टर का मिलना होता है, तो किस तरह की कन्वर्सेशन होती है, उसका एक आइडियल कन्वर्सेशन है. और मे बी ये रियल भी हो सकती है, दैट मीन्स इसमें ऐसा नहीं मतलब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी. 90% चीज़ तो कॉमन रहेंगी, कुछ 2-10% एक्स्ट्रा रहेंगी. सो स्टार्ट करते हैं. पेशेंट: गुड मॉर्निंग डॉक्टर. देखो इसमें गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं, गुड इवनिंग भी कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम पीरियड में आप जाएंगे वहाँ पे वही चीज़ रहेगा. तो डॉक्टर: गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ट्रबल, मतलब आपकी क्या परेशानी. डॉक्टर ने कहा आपकी क्या परेशानी है. पेशेंट: आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली. मतलब आई हैवंट बीन फीलिंग लेटली. लेटली का मतलब होता है हाल ही में, अभी जो कुछ समय पहले की बात है, हाल ही में. तो वो कह रहे हैं कि हाल ही में साहब मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है. अब मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी का डिटो ट्रांसलेट कभी नहीं होता, सेम टू सेम ट्रांसलेशन नहीं होता. बिकॉज ऑफ वो फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, वहाँ का बोलने का तरीका, कहने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका अलग अलग सिस्टम्स होता है, कल्चर अलग होता है. तो ऑब्वियसली बात है वहाँ का लैंग्वेज और ये सब चीज़ों की क्या होंगी, थोड़ी अलग होंगी. तो इसलिए सेम टू सेम, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, तो सेम टू सेम ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी पूरी. नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर कहता है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम. मतलब आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या परेशानी है. तो पेशेंट कहता है आई ऑफन फील क्वाइट सिक. मतलब ऑफन मीन्स होता है अक्सर, मुझे ऐसा अभी ऑफन मीन्स होता है अक्सर. आई ऑफन फील क्वाइट सिक, मतलब मुझे थोड़ा बीमार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ दिनों से कि मैं बीमार हूँ. हैव हैड अ लॉट ऑफ पेन इन द स्टमक, मतलब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है. फॉर सेवरल डेज, सेवरल मतलब होता है कई दिन, कई सेवरल मीन्स होता है कई, डेज मीन्स दिन. तो मुझे कई दिनों से पेट में दर्द रहता है. आई हैव ऑल्सो हैड सेवरल, सेवेयर का मतलब होता है, सेवेयर का मतलब होता है कठोर, कठोर नहीं समझते, हार्ड. हेड एक फॉर ओवर टू डेज, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कठोर, हार्ड, मतलब हार्ड कह सकते हैं, हार्ड मतलब बहुत तेज सर दर्द है पूरे दो दिन से. डॉक्टर: व्हाट्स योर एपेटाइट लाइक. एपेटाइट मीन्स होता है भूख. अब इसमें इसका मतलब अगर हम निकालें क्या होगा, आपकी भूख कैसी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको भूख कैसी लगती है, आपको भूख मतलब आपकी भूख जो है वो सही है कि नहीं, ऐसा डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपकी भूख कैसी है. पेशेंट कहता है नॉट एट ऑल गुड, मतलब बिल्कुल भी अच्छी. आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कुछ खाना, मतलब मैं कुछ खाता हूँ या खाना है. आई फील फुल अप ऑल द टाइम, मतलब मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट भरा हुआ है. फुल अप का मतलब होता है पेट भरा होना, जैसे कभी आपसे कोई बोले आप और कुछ लेंगे तो आप कहते नहीं आई एम फुल, मतलब मेरा हो गया, मेरा हाँ मैंने पेट भर के खा लिया. डॉक्टर: हैव यू हैड एनी फीवर, क्या आपको बुखार था. पेशेंट: वेल आई डू फील फेवरिश ऑल द टाइम, मतलब मुझे बुखार सा हमेशा ही लगता है. आई हैव ऑल्सो हैड अ बैड टेस्ट इन अ माउथ सिंस आई हैव बीन सिक, मतलब मेरे मुंह का स्वाद भी सही नहीं रहता जब से मैं क्या हूँ, बीमार हुआ हूँ. जैसे होता ना हमारा मुंह कड़वा हो जाता है जब कोई किसी की तबीयत वगैरह खराब रहती है, तो वही चीज़ बोला है कि आई हैव ऑल्सो हैड अ बैड टेस्ट इन माउथ सिंस आई हैव बीन सिक, जब से मैं बीमार हूँ तब से मेरा मुंह का टेस्ट ज़्यादा सही नहीं है. डॉक्टर: ऑल राइट, ठीक है, लेट मी टेक योर टेम्परेचर का मतलब होता है कि मैं, मेरे को आपका भी टेम्परेचर नापना, टेम्परेचर नापना मतलब मुझे, लेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने देना. तो मतलब आप मुझे आपका टेम्परेचर लेने दीजिए या फिर मैं आपका भी टेम्परेचर लूँगा. सबसे पहले फर्स्ट दे आर गिव मी योर रेस्ट, आप मुझे आपकी कलाई दिखाएं, कलाई दिखा दें. डॉक्टर जनरली ऐसे चेक करता तो रेस्ट, तो कहता है देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पल्स, मतलब आपकी यहाँ पल्स तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आपकी पल्स बिल्कुल ठीक है. अब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द पल्स, मतलब आपकी पल्स खराब, आपकी पल्स ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पल्स बिल्कुल सही चल रही है. नाउ टेक ऑफ योर पुल ओवर, टेक ऑफ का मतलब रिमूव करना, उतारना, मतलब आपका पुल ओवर जो, मतलब पुल ओवर किसको बोलते हैं,
जो जैकेट होती है सर्दियों में जिसके जिसके पीछे कैप होता है उसी जैकेट को पुल ओवर बोलते हैं बेसिकली। तो आप पुल ओवर निकाल दीजिए एंड योर शर्ट टू, और आपकी शर्ट भी उतार दीजिए। लूजन योर क्लोथ अ लिटिल, आपके कपड़ों को थोड़ा ढीला कर लीजिए। आई विल एग्जामाइन यू, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, है ना। एग्जामाइन मीन्स चेक कर रहा हूँ, ना कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। इफ़ यू लाई डाउन ऑन दैट काउच, आप उस काउच, काउच मीन्स क्या होता है, काउच मीन्स होता है सोफा, आप उस सोफे पर लेट गए, लेटे थे, तो डू यू फील एनी पेन देयर, डू यू फील एनी पेन हेयर, क्या आपको दर्द हुआ था। पैशन, यस सम, हाँ थोड़ा सा। डॉक्टर, एंड हेयर, और वहाँ पे आप लेटे तब, ओ दैट्स क्वाइट पेनफुल, हाँ ये थोड़ा दर्दफुल, मतलब पेनफुल, पेनफुल मीन्स होता है आपका दर्दनाक, दर्द था, हाँ यहाँ पे थोड़ा दर्द था। पैशन, और उसके बाद आता है आपका डॉक्टर, ऑल राइट, ठीक है। यू मे गेट ड्रेस्ड नाउ, मतलब अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए। यू मे गेट ड्रेस्ड नाउ का मतलब आप अपने कपड़े पहन लीजिए। डॉक्टर, पेशेंट, आई होप देयर इज नथिंग सीरियस, डॉक्टर मतलब डॉक्टर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आई होप देयर इज नथिंग सीरियस, डॉक्टर मीन्स वो कह रहा है कि क्या डॉक्टर कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर, नो नथिंग सीरियस, नहीं नहीं कोई सीरियस वाली बात नहीं। आई एम प्रिस्क्राइबिंग टू काइंड्स ऑफ टैबलेट, मैं आपको दो तरह की टैबलेट दे रहा हूँ। टेक वन बिफोर मील्स, एक आपको खाने के पहले लेना है, मील्स में खाना होता है, एंड अदर आफ्टर द मील, एंड जो दूसरी आपको टैबलेट लेनी वो आपको खाने के बाद लेनी है। फॉर थ्री डेज, तीन दिन के लिए, जैसे कितने दिन तक चलेगा ये काम, तीन दिन के लिए। डोंट ईट एनी फ्राइड और स्पाइसी फूड, मतलब आपको नहीं खाना है, डोंट मतलब नहीं, मत खाइएगा। एनी फ्राइड मीन्स तला हुआ, स्पाइसी मीन्स मसालेदार खाना मत खाइएगा। ड्रिंक मिल्क एंड हैव मिल्क फूड, मतलब आपको दूध पीना है और आपको मिल्क फूड लेने हैं, एज मच एज यू कैन, जितना आप खा सकते हैं पी सकते हैं। एंड डू टेक सम रेस्ट, और थोड़ा आराम कीजिए। पेशेंट, डू आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द वर्क, डॉक्टर मतलब क्या मुझे काम से दूर रहने की जरूरत है, डॉक्टर मतलब क्या मुझे काम से ब्रेक ले लेना चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, जस्ट टेक इट इजी, बिल्कुल आराम से लीजिए। टेक इट इजी का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से लीजिए। टेक इट इजी, टेक इट मतलब आराम। एंड हैव रेस्ट व्हेनेवर यू कैन, मतलब आराम करिए, जब आप आराम कर सकते तब आप आराम करिए, काम से आपको भागने की जरूरत नहीं है। कम एंड सी मी इफ द ट्रैवल डज नॉट गो क्विकली, अगर आपकी जो परेशानी अगर वो सही नहीं होती तो आप मेरे पास आ जाइएगा वापस फिर से। पेशेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, गुड बाय। तो पेशेंट होता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, गुड बाय, डॉक्टर बोलता है बाय। सो गाइस, दिस इज द कन्वर्सेशन एट द डॉक्टर, ये जनरली एक आइडियल कन्वर्सेशन है, ये मे बी रियल कन्वर्सेशन भी हो सकती है अगर जनरली आपको अगर इसी तरह का ट्रेवल हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो जो भी आपकी प्रॉब्लम परेशानी आप उस तरीके से बोलेंगे, लेकिन एक ये एक आइडियल चीज़ है जो कि आप बोल सकते हैं। जनरली इसको आप प्रैक्टिस करें, नीचे इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो पूरा उसको बार बार रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, देन प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, कहीं भी आप इसको प्रैक्टिस करें, एंड अप्लाई ऑल्सो इन अ पेशेंट, इन अ क्लिनिक और हॉस्पिटल्स। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।